आईपीएल 2024 के नौवें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली को 12 रनों से रौंदा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने दिल्ली के सामने 186 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में दिल्ली की टीम केवल 173 रन ही बना सकी। आईपीएल के मौजूदा सीजन में राजस्थान की ये लगातार दूसरी जीत है। आरसीबी और केकेआर के बीच आज आईपीएल का 10वां मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल में आरसीबी और केकेआर का सामना 32 बार हुआ है। इस दौरान बेंगलुरु ने 14 और केकेआर ने 18 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। चिन्नास्वामी में एक बार फिर से गौतम गंभीर और विराट कोहली की राइवलरी देखने को मिलेगी। हैदराबाद के खिलाफ करीबी हार के बाद मुंबई इंडियंस के मेंटोर सचिन तेंदुलकर और कप्तान हार्दिक पांड्या ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कप्तान हार्दिक पांड्या और सचिन तेंदुलकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। सचिन ने खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हुए कहा कि सबको मजबूती के साथ रहना होगा, कोई भी मुश्किल आएगी मिलकर पार करेंगे। तो वहीं हार्दिक ने कहा कि हम टूर्नामेंट की मुश्किल टीम है, हमें अपनी टीम पर गर्व है। मुंबई इंडियंस को जल्द खुशखबरी दे सकते हैं सूर्यकुमार यादव, जल्द हो सकती है टीम में वापसी। स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं सूर्यकुमार। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने बनाई पैनी नजर। सूर्या इस वक्त बेंगलुरु के एनसीए में अपनी फिटनेस ठीक कर रहे हैं। आईपीएल सीजन 17 के शुरुआती मैचों से बाहर हैं सूर्यकुमार यादव। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर अपनी भड़ास निकाली है। यूसुफ का मानना है कि हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी के कारण सनराइजर्स हैदराबाद ने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। यूसुफ ने लिखा कि जसप्रीत बुमराह को सिर्फ एक ओवर ही क्यों दिया गया, आपको बेस्ट बॉलर से गेंद करानी चाहिए। कोलकाता नाइट राइडर्स के चीफ कोच चंद्रकांत पंडित पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर डेविड वीसे ने सवाल खड़े किए हैं। डेविड वीसे ने खुलासा करते हुए बताया कि चंद्रकांत पंडित के काम करने का तरीका विदेशी प्लेयर्स को डराता है, जिसकी वजह से प्लेयर्स खफा रहते हैं। डेविड वीसे ने पिछले साल केकेआर के लिए आईपीएल खेला था। मुश्किल में घिरे हनुमा विहारी, एसीए ने थमाया कारण बताओ नोटिस। हनुमा ने कुछ दिनों पहले एसीए पर आरोप लगाए थे। हनुमा ने कहा था कि आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में पॉलिटिक्स चरम पर है, जिसकी वजह से मुझे कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ रहा है। हनुमा ने हालांकि नोटिस का फिलहाल जवाब नहीं दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी लिस्ट जारी की है। इसमें मार्कस स्टोइनिस का नाम शामिल नहीं है। स्टोइनिस को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। वे आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं। बोर्ड ने कुल 23 खिलाड़ियों को इस लिस्ट में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया ने नाथन एलिस, मैथ शॉर्ट और आरोन हार्डी को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है। बांग्लादेश वीमेंस टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश के लिए टॉप ऑर्डर में खेलने वाली फरजाना हक टीम से बाहर हो गई हैं। इसके अलावा दिशा विश्वास और निशिता अख्तर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये सीरीज 31 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक खेली जाएगी। बांग्लादेश के सरफुद्दौला इब्रे शाहिद को आईसीसी अंपायर के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। सरफुद्दौला शाहिद अपने देश की ओर से पहले अंपायर बन गए हैं जिन्हें आईसीसी अंपायर के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। सरफुद्दौला साल 2006 से इंटरनेशनल पैनल में हैं।